डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ परतापुर थाना क्षेत्र के गगौल में शनिवार को एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री का नाम अमोही इंटरनेशनल है और यहाँ कपड़ा, चमड़ा, रेक्सिन, फोम आदि भारी मात्रा में रखा हुआ था। शुरू में कुछ मजदूरों के भी भीतर फंसे होने की आशंका जताई गई थी। फैक्ट्री के मालिक मुकेश गुप्ता बताए गए हैं। देखिए, तार ही टूट गया। वे किसकी फैक्ट्री है? गत्ते की। गत्ते की? गत्ते की ना, गत्ते की। मौके पर मौजूद फायर ऑफिसर ने यह जानकारी दी। आज यहाँ प्रतापपुर क्षेत्र में गगोल में भारी मात्रा में आग का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला? ये थाना प्रतापपुर अंतर्गत गगोल गांव में अमोरे इंटरनेशनल करके फैक्ट्री थी, जिसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई और तत्काल जो है 6 फायर टेंडर लेकर के मौके पर पहुंचा और आग को नियंत्रित कर लिया गया है। इसमें कोई जीव हानि नहीं है। क्या कारण रहा आग का और कितना नुकसान? अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा। क्या केमिकल नहीं है? ये फोम के मैट्रिसेस बनते थे, ये उसकी फैक्ट्री है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।